Thank you so much each and everyone for your valuable support. Now support value start from 29 rupees only. आज हम ड्रॉ करने वाले नोज। हर कोई एक पोर्ट्रेट ड्रॉ करना चाहता है और पोर्ट्रेट ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे आइज़ जो कि हम लोग पहले कर चुके हैं। इससे पहला वाला जो एपिसोड था जिसमें हम लोगों ने हर तरीके से जाना था कि आई का स्ट्रक्चर कैसे होता है और कैसे हम ईजिली ड्रॉ कर सकते हैं। तो जनरली क्या होता है कि हम जब नोज़ ड्रॉ करने जाते हैं ना वैसे ही, तो फिर हमें पता नहीं होता है कि अलाइनमेंट क्या है, कैसे ड्रॉ करना है, शेप कौन सा होगा, कौन सा पोर्शन है वो जो नीचे की तरफ होगा और कौन सा पोर्शन ऊपर की तरफ होगा। तो जनरली हमें जैसे समझ में आता है वैसे ड्रॉ कर लेते हैं, ऑल दो हमारे पास रेफरेंस रहता है तो भी। तो ये मैंने देखा है कुछ बेसिक इश्यूज़ जो हैं ये सारे बिगनर्स में होता है यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ इसलिए मैंने एक रेफरेंस लिया है कि जब भी आप रेफरेंस लो तो रेफरेंस को कैसे हमें उतारना है, अपने जो स्केच जो हम बनाते हैं तो उसका अलाइनमेंट कैसे होगा, किस तरीके के जो उतार चढ़ाव जो भी होते हैं ना, लाइटिंग के अकॉर्डिंग जो शेडिंग भी होती है, तो वो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आउटलाइन कैसे होता है, क्योंकि अगर आप आउटलाइन गलत करोगे ना तो शेडिंग कितना भी अच्छा करो तो वो शेप अच्छा नहीं दिखने वाला। जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि इसमें अगर मैं शेडिंग कितना भी अच्छा कर लूँ तो नोज़ अच्छा नहीं दिखने वाला। तो यहाँ पे कोई ना अलाइनमेंट है ना ही कुछ शेप है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो अलाइनमेंट, जैसे मैंने आपको बताया ना कि स्ट्रेट अलाइनमेंट, जैसे कि बिल्कुल ही स्ट्रेट है, उसके ऊपर जो आप देखते हो ना कि इसमें कुछ डायनामिक्स होते हैं जैसे ऊपर और नीचे। तो यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया ना कि अब यहाँ पे कुछ शेप्स हैं हम डिवाइड करेंगे। इससे पहले मैंने आपको बताया ना कि हर चीज़ों को हमें शेप में देखना चाहिए, तो यहाँ पे भी हम लोग शेप में डिवाइड करेंगे। जैसे कि सेंटर जो नोज़ होता है ना, अलग अलग उतार चढ़ाव जैसे मैंने बोला ना, डेप्थ होता है, तो यहाँ पे सबसे आगे वाला जो सर्कल है वो सबसे बड़ा रहेगा और दो पीछे जो आप साइड में देख रहे हो ना वो हम मैंने सेम साइज़ के छोटे बनाए हैं जो कि थोड़ा सा ऊपर रहेगा। सेम हमें पेपर पे भी वैसा ही करना है। जैसे अभी आप देख रहे हो कि इसको मैंने एक बड़ा सर्कल बनाया, उस सर्कल के हाफ से थोड़ा नीचे मैंने दो सर्कल बनाए हैं और दोनों सर्कल जो है वो एक शेप हमें मिल चुका है। तो ये शेप जो अभी मैं यहाँ रेफरेंस पे ड्रॉ कर रहा हूँ जैसा कि वो रेफरेंस में है, सेम हमें यहाँ पे पेपर पे भी डालना है। जो डायनामिक्स है ना वो हम बाद में स्केचिंग में और शेडिंग में कर लेंगे, लेकिन जो हमें शेप जो है ना वो बराबर होना चाहिए और दोनों साइड का बराबर होना चाहिए, जैसे कि मिरर इमेज होता है, एक साइड में इधर और एक साइड में दूसरी तरफ। तो इसको हमें शेप में डिवाइड करना होता है। तो इसको डिवाइड करने के लिए जैसे सबसे पहला पार्ट जो होता है ना वो हमें कंप्लीट करना होता है, या तो आप राइट या फिर लेफ्ट, दोनों में से जो भी आप पोर्शन है वो आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसको मैंने एक आउटलाइन जो है ना, बेसिक आउटलाइन, वो मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, यहाँ पे देख रहा हूँ। तो इसमें जो डेप्थ है, डेप्थ सारी चीज़ें आएंगी बाद में, इससे पहले हम लोग जितना भी रेफरेंस जो सर्कल वगैरह ड्रॉ किया उसको हम इरेज करना होगा। तो इरेज करके फिर हमें क्लियर हो जाता है कि हाँ हमें बेसिक शेप मिल चुका है। तो इससे पहले जो मैंने यूज़ किया था वो था 2H पेंसिल, अभी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ HB पेंसिल। तो हमें लाइट के, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि लाइट के अकॉर्डिंग ही हमें ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे हम ड्रॉ भी करेंगे। ड्रॉ तो किया है, एक सिंगल लाइन के थ्रू हमें जो एक आउटपुट है ना वो हमें मिल चुका है यहाँ पे। तो अभी जो है, अभी जो शेडिंग हम कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू लाइट, तो यहाँ पे शेप के अकॉर्डिंग भी जाना चाहिए। और दूसरा ये कि ये हमारा लेयरिंग पे ही शेडिंग करेंगे, जैसे कि जितने भी बिगनर्स है ना तो उनके लिए भी मैं बता दूँ कि जो आप लेयरिंग में शेडिंग करोगे ना, तो जैसे देख रहे हो कि HB पेंसिल से पहला लेयर मैंने बना दिया और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप गैप कम रखोगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। जैसे देख रहे हो अभी कि एक कंप्लीट जहाँ पे मुझे एक डार्क पोर्शन चाहिए, जहाँ पे लाइट है वहाँ पे मैंने लाइट ही रखा है। अब इसको अभी मैंने यूज़ किया है ब्रश, मेकअप ब्रश, जो कि आप वेगा का है वो आप ले सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा ये सारे जो लिंक है। अगर आप नियरेस्ट मार्केट में मिल गया तो वेल एंड गुड, नहीं तो क्या ऑनलाइन भी बाय कर सकते हो। तो ये एक पहला लेयर कंप्लीट हो चुका है। तो ये अभी जो है, अब इसको मैं HB पेंसिल से ही अभी थोड़ा मैंने इसको आउटलाइन जो है इसको और शार्प किया, क्योंकि जब आप ब्लेंड कर देते हो ना जब आप, तो उसके में आउटलाइन जो है ना वो थोड़ा डिस्टर्ब होता है, तो उसको हमें मेंटेन रखना है। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि जैसे जैसे वो रेफरेंस में भी शेडिंग है अकॉर्डिंग टू लाइट है, उस तरीके से हमें ये जाना होता है और बहुत ही पेशेंटली जाना होता है। ये मैंने जो ट्यूटोरियल बनाया है ये ऑलमोस्ट मुझे लगता है 10-15 मिनट्स में बने। अगर आप इसमें आप 1 घंटे देते हो, 2 घंटे देते हो, 3 घंटे देते हो, तो हाइपर रियलिस्टिक भी जा सकते हो। तो एक मैंने बेसिक करके बताया कि बिगनर्स को कैसे कैसे करना चाहिए और अकॉर्डिंग टू लाइट, जैसे कि जहाँ पे मुझे लाइट है ना वो वहाँ पे मैं शेड कर रहा हूँ और जहाँ पे लाइट नहीं है तो
तो वहाँ पे तो जो लाइट नहीं है वहाँ पे तो हमें डार्क करना ही होता है, जहाँ पे हल्की सी लाइट बाउंस भी है वहाँ पे मैंने उसको ज़्यादा वहाँ पे शेड नहीं किया। उसके बाद जब हम ब्लेंड करेंगे ना, तो ब्लेंड करेंगे तो ऑटोमेटिक उसमें जो जो वो पोर्शन है वो भी फिल हो जाता है। जैसे अभी आप देख रहे हो ब्रश मैंने यूज़ किया, तो ये जो ड्यूल ब्रश है मीन्स की ब्रश भी है और यहाँ पे एक आपको ब्लेंडर भी मिलेगा, तो ब्लेंडर का अपना ही यूज़ है एक। जैसे अभी आप देख रहे हो कि जहाँ पे ब्रश काम करना थोड़ा कम कर देता है वहाँ पे ब्लेंडर काम करता है। तो यहाँ पे अभी मैंने लिया है 3B पेंसिल, आप 2B पेंसिल भी ले सकते हो, 4B पेंसिल भी ले सकते हो। तो यहाँ पे अभी आप, मैं आपको बताने के लिए कह रहा हूँ कि आप जैसे 3B पेंसिल मैंने लिया, तो अब मुझे उसी पोर्शन को टच करना है जहाँ पे डार्कनेस ज़्यादा, जहाँ पे लाइट की इन्फॉर्मेशन कम है। इससे क्या होगा ना कि डेप्थ आएगा, जो नोज़ है नोज़ में जैसे मैंने आपको बताया ना कि डायनामिक्स होते हैं, तो वो डायनामिक्स को ऐड करने के लिए हमें शेडिंग करनी होती है। और शेडिंग कैसे होती है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं उसमें थोड़ी सी उसमें डार्कनेस और ब्राइटनेस की वैल्यू जो होती है वो जैसे जैसे ऐड होती जाती है तो आपको डेप्थ आ जाता है, और डेप्थ आएगा तभी वो पता चलेगा उसका एक्चुअल शेप कैसा है। तो इसलिए जब भी आप नोज़ ड्रॉ करते हैं ना, तो या फिर आप अपनी नोज़ को आप मिरर में देख सकते हैं, या फिर उसको टच करके आप देख सकते हैं कि कितना ऊपर है, कौन सी चीज़ ज़्यादा ऊपर है उसको हमें ब्राइट रखना है, कौन सा अंदर की तरफ है उसको हमें डार्क रखना है। तो फिज़िकली जितनी भी आप टच करके और देख के आप बनाओगे ना, जैसे कि आप देख रहे हो नोज़ का है, लिप्स का है, आइज़ का है, तो उतार चढ़ाव एटलीस्ट आपको पता चलेगा कि ये शेडिंग कर रहा हूँ मैं तो क्यों कर रहा हूँ, यहाँ पे जो मैं डार्क कर रहा हूँ मैं अंदर की तरफ क्यों कर रहा हूँ मैं। ये हमें सिर्फ कॉपी नहीं करना है, जैसे कि हमने देखा रेफरेंस में उसका अब सेम उतार दिया, लेकिन ये क्यों है, क्योंकि क्या है ना, एक रेफरेंस आपने अभी लिया है, नेक्स्ट टाइम से आपको रेफरेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको समझ में आ जाएगी कि लाइट की इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है, लाइट का डायरेक्शन कहाँ से है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग सेट कर सकते हैं अपने माइंड में कि हाँ लाइट का डायरेक्शन ये है, तो अब डेप्थ कहाँ पे देना है, जैसे कौन से पोर्शन जो है वो ऊपर है, जैसे सामने का जो दिख रहा है वो सबसे ज़्यादा ऊपर होता है और इसके कारण वो ज़्यादा लाइट हिट करती है वहाँ पे, इसके कारण वो ब्राइट रहता है, और जैसे जैसे अंदर की तरफ जाता है वो थोड़ा डार्कनेस आती जाती है। तो ये हमें जो बेसिक चीज़ें हैं ना, रेफरेंस एक हमें ऑब्जर्वेशन के लिए लेना चाहिए हमेशा, कि आपने ऑब्जर्व कर लिया, ऑब्जर्व करके आप अपना ड्रॉ करो, इसके बाद एक रेफरेंस लो, दो रेफरेंस लो, तीन रेफरेंस लो, उसके बाद आपको अपना ही ड्रॉ करना है। जैसे देख रहे हो कि हमें जैसे जैसे डायनेमिक्स पता चल रहा है वैसे वैसे कि लाइट की इन्फॉर्मेशन वहाँ पे, और ऐसा नहीं है कि जो मैंने यहाँ पे डार्क किया या फिर जो मैंने ब्राइट किया है जहाँ पे लाइट की बाउंस है वहाँ पे मैं बिल्कुल वैसे ही छोड़ दिया, वहाँ पे मैंने ब्रश वापस से रन किया जिससे कि वो सेटल हो जाए, डार्कनेस पोर्शन भी और ब्राइट वाला पोर्शन है वो भी, और यहाँ पे हल्के हल्के जो टेक्सचर होते हैं वो भी आप दे सकते हो। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 10 से 15 मिनट में जो नोज़ बनेगा तो कुछ ऐसा बनेगा। इसके बाद अब जैसे मैंने आपको बताया कि 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे जितने भी हाइपर रियलिस्टिक बनते वो मोर देन 3 आवर्स 2 आवर्स इतना जब आप टाइम देते हो एट स्ट्रेच तब जाके वो हाइपर रियलिस्टिक आता है। क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आपको बहुत ही फुर्सत से बनाना होता है और एक एक डिटेल जो होता है ना वो करना होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, ओवरऑल मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए किया, एक बिगनर्स को बताने के लिए किया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा 2 घंटे 3 घंटे में ड्रॉ करके आपको एक हाइपर जो स्पीड जो होता है ना जिसमें आपको समझ में भी ना आए वो भी मैंने नहीं किया, कि यहाँ पे आपको एटलीस्ट बेसिक शेप जो होता है ना, शेप आप समझ जाओ, जब आप जब भी एक रेफरेंस देखते हो तो उसको हमें कैसे पेपर पे उतारना है, उसका शेप कैसा होना चाहिए। तो ये जो बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताया, इसके साथ साथ मैंने शेडिंग भी बताया जिससे कि आप जब भी फर्दर आप फेस ड्रॉ करोगे तो, क्योंकि जहाँ तक ये मुझे बहुत बेनिफिट मिला है कहाँ से, जैसे कि आप लोगों के जो सब्सक्राइबर्स के आर्टवर्क रिव्यू जो होता है ना वहाँ पे जो जो इश्यूज़ आते हैं ना सबसे ज़्यादा मैं देखता हूँ, तो इसके कारण मैंने ट्यूटोरियल अभी बनाना स्टार्ट किया है। तो अभी मैं पूरा पोर्ट्रेट का ही ट्यूटोरियल बनाऊँगा मैं, जिससे कि आपको समझ में आए कि आई नोज़ लिप्स और ईयर्स जो होते हैं ना वो, और हेयर ऑब्वियसली, तो उसमें कैसे और क्या कर सकते हैं। ये तो मैंने बताया आपको कि थोड़ा डिटेल में बताया मैंने आपको कि जिसमें मैंने मैन्युअली हम लोगों ने शेडिंग की है पेंसिल से। अगर आपको थोड़ा शॉर्टकट चाहिए, थोड़ा और जल्दी चाहिए, जैसे 5 से 10 मिनट के अंदर में एक नोज़ आपको ड्रॉ कर लेना है, तो ये कुछ एक टेक्निक है, जैसे सेम जैसे मैंने सर्कल्स के थ्रू किया था वो सर्कल के थ्रू हम लोगों ने यहाँ पे बनाया, और रेफरेंस भी एक अलग है जिसको हम लोगों ने लिया यहाँ पे, और वो रेफरेंस लेने के बाद अभी हमें पता है कि शेप उसका कैसे लेना है, और आपको ऑब्जर्वेशन भी देखना है ना कि वो सामने जो आई है, तो पहले जो सर्कल बनाया था उसमें कंप्लीट सर्कल को आउटलाइन में यूज़ किया था, यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा अंदर लिया,
तो ये सब कैसे आते हैं? ऑब्जर्वेशन से आते हैं कि कितना डिस्टेंस है। ये आइज़ को ना आपको शार्प बनाना पड़ेगा कि आप उसको देख के आप कैलकुलेट कर सको। तो यहाँ पे जो भी आप देखोगे ना, आप आपको माइंड में तो रखना ही है। और यहाँ पे अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि जैसे आपके 10B हो या 12B पेंसिल है, तो उसको मैंने यहाँ पे उसका जो ग्रेफाइट है उसको ग्रेफाइट मुझे यूज़ करना है। अगर आपके पास पाउडर है तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर आप इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हो और उसको उस पोर्शन जो आपने वहाँ पे ड्रॉ किया है उसकी ग्रेफाइट हम यूज़ करेंगे यहाँ पे अपने मेन कोर्स में, जो कि रॉ मटेरियल हम लोगों ने वहाँ पे बनाया। अब यहाँ पे मेन कोर्स है हमारा, तो यहाँ पे हम लोग अकॉर्डिंग टू लाइट उसको शेड करने वाले हैं, अकॉर्डिंग टू शेप। देखो, तीन चीज़ें होती हैं जो हमेशा ही बताता हूँ मैं। एक तो होता है कि शेप तो हमें मिल जाएगा, हम तो ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसमें शेडिंग और टेक्सचरिंग और लाइटिंग, तीन ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें मैं फिर से बता दूँ, शेडिंग, टेक्सचरिंग मतलब कि उसका जो टेक्सचर है एक्चुअल कैसा है। जब तक उसमें लाइट नहीं आएगा तो शेडिंग पता नहीं चलेगा, उसका टेक्सचर भी पता नहीं चलेगा। तो ये तीन चीज़ें ऐसी हैं ना जो हर एक जो इमेज को, जो आर्टवर्क को आपको ऊपर लेके जाता है, जो निखारता है, जो कहते हैं ना इमेज, तो एक रियलिस्टिक, हाइपर रियलिस्टिक जो भी होता है ना, वो जब टेक्सचरिंग ऐड हो जाता है ना, तो अभी देख रहे हो कि कितना स्मूथ आ रहा है। जब आपको एक हाइपर रियलिस्टिक चाहिए ना और थोड़ा जल्दी चाहिए, तो ये जो मेथड है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे देख रहे हो कि जैसे जैसे डेप्थ भी है ना, हम उसको ऐसे यूज़ करेंगे। और जितना आप रिपीट करोगे ना, तो उतना डार्कनेस ज़्यादा आएगा। उसके बाद ये जो हमें एक बेसिक जो जो शेडिंग है, बेसिक लाइटिंग जो होता है ना, एक फिल लाइट का जो इफ़ेक्ट होता है ना, वो हमें मिल गया। तो थोड़ा अभी हम इसमें हम पेंसिल का भी यूज़ करेंगे, जैसे कि 3B है या 4B है, 6B, 8B आप यूज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू आपका जो रिक्वायरमेंट है, आपका जो फेस का है, आप कितना रियलिस्टिक बनाना चाहते हो या फिर आर्टिस्टिक। ये आर्टिस्टिक तो कहीं से नहीं होगा क्योंकि हम लोगों ने इसको कंप्लीट ब्लेंड किया है, स्मूथ ब्लेंडिंग की है। तो यहाँ पे अभी मैंने जो लिया है, अभी आप जो 10B है जैसे कि मैंने डायरेक्ट उससे ही किया, तो उसको भी आप थोड़ा ले सकते हो। और उसको मैंने ब्लेंडर से ही किया क्योंकि ये कंप्लीट जो है मेरा ब्लेंडर से ही यूज़ में आ रहा है। तो जब एक बार आप ब्लेंडर यूज़ कर लेते हो ना, तो ब्रश उतना काम नहीं करता है, क्योंकि एक सटल ब्लेंडिंग के लिए आप ब्रश का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ब्लेंडर अगर आप यूज़ करते तो एक स्मूथ इफेक्ट जो होता है ना, एक वो इफेक्ट देने के लिए हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे जैसे जैसे डेप्थ है ना, तो डेप्थ के अकॉर्डिंग, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे 3B पेंसिल लिया, तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप कर सकते हो, कितना लाइट रखना है, कितना डार्क रखना है, तो हर एक डिटेल है। और आप जैसे कि शेप गया है ना, उसके अकॉर्डिंग आप शेडिंग भी करनी है, जैसे कि कौन सा पोर्शन है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि लाइटिंग की इन्फॉर्मेशन, जैसे ये जो शेप है, शेप के बगल में जो सरफेस है ना, वो चिक पार्ट है, वो भी ड्रॉ करना चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में जो लाइट है ना वो हिट यहाँ पे कर रही है, तो उसका जो शेडो भी है ना वो चिक पे आता है। तो चिक का जो पोर्शन है थोड़ा वो बनाने चाहिए। और ये बनाने से ना क्या होगा, एक आपको प्लॉट मिल जाएगा जो आप जो भी आप बना रहे हो, फिर आप एक सेट कर सकते हो। जैसे कि आई मैंने पिछले ट्यूटोरियल में बताया था, तो वो आई आप यहाँ पे बना सकते हो। उसके बाद नोज़ मैंने यहाँ पे बना दिया, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बनाऊंगा मैं जब लिप्स, तो लिप्स यहाँ पे रख सकते हो। उसके बाद ईयर्स भी आ जाएगा, हेयर भी आ जाएगा, तो आपका एक कंप्लीट फेस है वो हो जाएगा। इसलिए मैं सारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी आर्टिस्ट हैं, जो भी आप वर्क करते हो, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप जब उनका फेस कंप्लीट, मुझे नहीं लगता है कि ये अप टू द मार्क है और मेरे एक्सपेक्टेशन से, तो मैं उनको कहता हूँ कि आप इंडिविजुअल पे वर्क करो। जो मैं कहता हूँ इसके लिए, यही ट्यूटोरियल मैं जो अभी बना रहा हूँ मैं इंडिविजुअली, इसके लिए ही बना रहा हूँ कि इसलिए मैं हमेशा ही कहता हूँ कि आप इंडिविजुअल एंटिटी पे वर्क कीजिए, जैसे कि आइज़ पे कीजिए, नोज़ पे कीजिए, लिप्स पे कीजिए। जब वो आपको लगता है कि परफेक्ट हो गया, फिर आप एक कंप्लीट एक पोर्ट्रेट में आप उसको सबको सजा के रखिए। अब जब सजाइएगा ना आप, तो दोनों में फ़र्क देखिए, आप पहले जो बनाते थे ना पोर्ट्रेट और दूसरा ये जो इंडिविजुअल मैंने आपको बताया, अब दोनों में कंपेयर करोगे आप, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा आपको, टाइम वैसे भी वहाँ पे भी लगता था, लेकिन एक टेक्निक समझ जाने के कारण ना आपको शॉर्टकट, जैसे पहले हम लोग ट्रैवल करते थे बाय रोड यूज़ करते थे, फिर उसके बाद कार आ गया, लेकिन उसके बाद जब फ्लाइट आया ना, तो फ्लाइट में क्या है, डेस्टिनेशन तो पे भी तो आप पहुँच जाते हो। हर एक जो मोड है ना, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, सब सेम है, लेकिन आपको जाना डेस्टिनेशन एक ही है, तो आपको रियलिस्टिक आना है। तो बस वही है कि आप कितना टाइम लगाना चाहते हैं, कितना
कितने टाइम में आप आउटपुट लेके आना चाहते हैं। आउटपुट तो आपको आएगा, लेकिन हाँ जितना आप टाइम दे रहे हो ना उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट भी आना चाहिए और इम्प्रूवमेंट भी दिखना चाहिए। तो ये जो जितने भी बिजनेस हैं ये डेडिकेट किया मैंने, ये जितने भी ट्यूटोरियल अभी बना रहा हूँ मैं बिजनेस के लिए ही बना रहा हूँ, और जैसे जैसे उनको शेडिंग भी आगे मिलेगी तो आप ये शेडिंग भी आप यूज़ कर सकते हो। और इसको पूरा देखिए, जैसे कि कोई भी एक पोर्शन अगर आप मिस करते हो ना तो होता क्या है ना कि आपको लगता है कि आपने बनाया तो है लेकिन वो मैच नहीं हो रहा है। मेरे पास सबसे ज़्यादा लोग यही बोलते हैं कि मैच नहीं हो रहा है, तो ये इसका आप ध्यान रखिए। और अगर आप सीखना चाहते हैं मुझसे कैसे मैंने ड्रॉ किया है और क्या क्या करेक्शंस है, ये सब जानने के लिए आप मेरे साथ सीख भी सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने रखा है इस अपने जो क्लासेस हैं उसका लिंक भी मैंने रखा है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। ड्राइंग कॉम्पिटिशन 3 आ चुका है तो प्लीज़ पार्टिसिपेट कीजिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।